भारत जोड़ो यात्रा ने आज 17वें दिन में प्रवेश कर लिया और आज भी इस यात्रा की शानदार शुरुआत हुई। यात्रा में सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। कल यानी शुक्रवार को यात्रा को ब्रेक दिया गया, जिसके तहत सांसद राहुल गांधी ने पूरे दिन कंटेनर में ही बिताया। हालांकि खबरें ये भी थी कि राहुल दिल्ली में है, लेकिन जयराम रमेश ने इन सभी खबरों को सिरे से खारिज कर दिया। तो अब एक दिन के आराम के बाद आज क्या है यात्रा का कार्यक्रम, देखिए रिपोर्ट। कन्याकुमारी से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इस समय केरल में है, जहां पार्टी को भरपूर प्यार और इस यात्रा को आम जनता का समर्थन मिल रहा है। और कांग्रेस ने जनता से जुड़ने के जिस मकसद के साथ इस यात्रा की शुरुआत की थी, वो मकसद पूरा होता नजर आ रहा है, क्योंकि यात्रा के दौरान की जो तस्वीरें सामने आ रही है, वो कांग्रेस की सफलता का सबूत पेश कर रही है और जनता के समर्थन से कांग्रेस का उत्साह बढ़ रहा है। वहीं अब तक ये यात्रा 333 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी है, जिसके बाद यात्रियों ने एक दिन आराम किया और आज फिर सुबह से यात्रा शुरू हो चुकी है, जिसकी जानकारी सांसद जयराम रमेश ने दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा, एक दिन के विश्राम के बाद भारत जोड़ो यात्रा का 17वां दिन त्रिशूर जिले के पेरंबरा जंक्शन से सुबह लगभग 6:35 पर शुरू हुआ। यात्री सुबह 12 किलोमीटर पैदल चलेंगे। आप यात्रा को bharatjodoyatra.in पर और हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव देख सकते हैं। कल यानी 23 सितम्बर को भारत जोड़ो यात्रा के यात्रियों ने आराम किया था और यात्रियों के लिए मेडिकल कैंप लगवाया गया था, जिसमे सभी यात्रियों का चेकअप हो सके, और इसकी तस्वीरें भी कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर साझा की थी। एक दिन के आराम के बाद आज फिर यात्रा ने रफ्तार पकड़ ली है और आज भी यात्रियों में वही उत्साह है जो यात्रा के पहले दिन था। साथ ही ये यात्रा कांग्रेस को एक नई पहचान दे रही है। 17वें दिन केरल के पेरंबरा से शुरू हुई ये यात्रा आज सुबह के चरण में करीब 12 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और अम्बल्लूर जंक्शन पर खत्म होगी। वहीं ये यात्रा अब जल्द ही बीजेपी शासित राज्य कर्नाटक में प्रवेश करने वाली है, जिसके चलते बीजेपी में खलबली मची हुई है। डीवी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।